يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون خالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعش إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون दाने और गुठली को फाड़ने वाला अल्लाह वो जिंदा को मुर्दा से निकालता है और मुर्दा को जिंदा से निकालता है। ये है अल्लाह तुम्हारा कि तुम किधर भटके जा रहे हो। वही है जो पर्दे को चार्ज करके सुबह को जाहिर करता है और जिसने रात को तुम्हारे लिए सुकून का वक्त बनाया है, उसने चांद सूरज के तुलो रूप का हिसाब मुकर किया है। ये उन जबरदस्त कुदरत इन रखने वाले का ठहरा हुआ अंदाजा है और वही है जिसने तुम्हारे लिए तारों को सहरा और समंदर की तारीखियों में रास्ता मालूम करने का जरिया बनाया है। हम निशानियां खोल खोल कर बयान कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो इन रखते हैं। फिर वही है जिसने एक जान से तुमको पैदा किया है, फिर हरे के लिए चाहे प्रार है और एक इसके सौंपे जाने की जमा जगह। हम अपनी निशानियाँ बयान कर रहे हैं इन लोगों के लिए जो मजबूत रखते हैं। फिर वही है जिसने आसमान से बारिशें बरसाई हैं, फिर हमने उसके जरिए हर तरह की नबातात उगाई है, फिर उसी से हरे भरे खेत और दरख्त पैदा किए हैं और फिर उनसे चाहे बहते पेड़ में गुजाने उगाए हैं, फिर खजूर के शगूफों से फलों के गुच्छे के गुच्छे पैदा किए हैं जो बोझ के मारे झुके होते हैं, हमने जैतून और अनार के बाग उगाए हैं जिनके फल एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं और एक दूसरे से मिलते भी नहीं हैं। इसका फल देखो जब ये फल रहा है और इसका पकना देखो, बेशक यकीन रखने वालों के लिए इसमें निशानियाँ। पर भी उन लोगों ने जिन्हों को अल्लाह का शरीक बनाया है हालांकि वो खुदा उनका खालिक है, इन्होंने खुदा के लिए बेटे और बेटियां बनाते हैं हालांकि इसकी कोई दलील उनके पास नहीं है। बालाता है अल्लाह बात है चीज़ों से जो ये लोग कहते हैं। अल्लाह खालिकुल हब्बि वन नवा, दाने और अपनी गुठली को फाड़ने वाला अल्लाह है। क्या तस्करा चल रहा है इस बात को पहले आप हमको ले लें। शुरू से इसका सूरत का जो मौजू है सूरह अनआम का, अल्लाह के बारे में, अल्लाह की तौहीद के बारे में जो दलाइल है, कुरान करीम से किताब हक होने के बारे में जो दलाइल है, हुज़ूर अक़दस वसल्लम के खुदा का सच्चा रसूल होने के बारे में जो दलाइल और आखिरत के बारे में वो बयान किए जा रहे हैं। कैसे मालूम हो कि अल्लाह ताला मालिक और आका है हमारा, क्या दलील है? और वही है, उसके सिवा कोई नहीं है, इसकी क्या दलील? हुज़ूर अक़दस मतलब खुदा के सच्चे रसूल हैं, इसकी क्या दलील? रसूल हुआ भी करते हैं कि नहीं हुआ करते? फिर ये कि आखिरत का दिन आएगा, इसकी क्या दलील है? कुरान करीम ये खुदा की किताब है, इसकी क्या दलील है? ये सारे सवालात हैं
जो वो लोग दूर अपना संस्थ कर रहे हैं, और उसके जवाब में ही पूरी सूरत है जो मैं आपको बयान शुरू से बता रहा हूँ। हर दलील अल्लाह ताला ने थोड़ा बयान फरमाई है कि एक दलील से दीगर दलाइल भी साबित होते हैं। एक बात साबित होती है तौहीद मुस्लिम साबित होती है, उसी से आखिरत भी साबित होती है, उसी से रिसालत भी साबित होती है। तो ये अंदाज है अल्लाह ताला का जो जिसे चला रहा है, और इसमें हर तरह के दलाइल बयान हो रहे हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला आयात आफाक बयान कर रहा है, इन्हें आयात आफाक कहते हैं, यानी पूरी कायनात को खुदा ताला की देखो, इस कायनात में तुम्हारे लिए हफ्ते की दलीलें मौजूद हैं। अल्लाह की जमीन को चारों तरफ देखो, नजर फैला कर ऊपर देखो, नीचे देखो, अपने आप को देखो, पूरी कायनात को देखो, तुम्हें दलीलें सारी मिल जाएंगी, यही मिल जाएंगी, दूर जाने की तुमको जरूरत नहीं है। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अभी वाकई बयान फरमाया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तारों को देखा, चाँद को देखा, सूरज को देखा, उससे अल्लाह को पहचान गए, दूसरे को बताया कि डूबने वाले खुदा नहीं हो सकते, देखो ये डूबते हैं, अगर इनका चमकना से ये साबित होता है कि ये खुदा है तो डूबने से तुम कैसे हैं, डूबने से साबित होता है कि खुदा नहीं है। तो पूरी कायनात में ये दलाइल हैं मौजूद, उसी अंदाज में अल्लाह ताला इस पूरे रुकू के अंदर आयात आफाक बयान से हमारा पूरी कायनात को देखिए। सबसे पहले अल्लाह ताला शुरू कर रहा है कि अल्लाह खालिकुल हब्बि वन नवा, इन्नल्लाह खालिकुल हब्बि वन नवा, दाने और गुठली को फाड़ने वाला अल्लाह है। यहाँ से अल्लाह ताला दलील वहदानियत शुरू कर रहा है। पहले अपने नीचे देखो, नजर डालो, कदमों के नीचे देखो, यही जमीन जी धरती इसके ऊपर तुम चलते हो, दाना इसमें बोते हो, इसमें से कोंकल निकल आती है, कौन इस दाने को फाड़ता है, कौन इसमें से कोंकल निकालता है। और हमेशा आप जो दाना बोते हैं, जो गुठली बोते हैं, वही दरख्त उसमें से निकलता है, ये कैसा कानून है, कोई दूसरी चीज़ नहीं निकलती। इतने से दाने में पूरा दरख्त छुपा होता है, इमली के दरख्त बीज में पूरे इमली का दरख्त छुपा होता है, ऐसा दरख्त जिसमें फिर एक बार बीज उगाने की सलाहियत होती है, ऐसे इस जैसे न जाने कितने। तो उस दाने को कौन फाड़ता है एक मुकर्रर दाबते के अंदर, इसको अल्लाह फारिकुल, दाने और गुठली को फाड़ने वाला अल्लाह ताला है। बहुत छोटी सी चीज़ निकल रहा है, बहुत नन्ही सी चीज़ है, दाना जमीन में दबा होता है, पहले नज़र नीचे डालो और देखो कैसे ये कोपल बन जाता है। इसकी कोपल खुद ये बता रही है इसके कोपल का निकलना कि ये एक पूरे आलमी निज़ाम में बना हुआ है, और जिसने इस दाने को फाड़ा है उसी ने पूरी कायनात को बनाया है। ये कैसे साबित होता है? ये ऐसे साबित होता है कि दाना कोपल क्यों बनता है और कोपल दरख्त क्यों बनती है। दाना कोपल बनता है क्योंकि उसको मौसम मिलते हैं, क्योंकि उसको पानी मिलता है, बारिशें मिलती हैं। अगर बारिशें उसको ना मिले, ज़मीन मट्टी उसको ताउन न दे, पानी उसको ताउन न दे, हवाएं उसको ताउन न दें, तो वो दाना कभी कोपल नहीं बन सकता, कभी फट नहीं सकता। वो दाना इसलिए फट जाता है, इसलिए कोपल बन जाता है कि मौसम उसको ताउन देते हैं, उसको जैसी मौसम चाहिए वो मौसम आते हैं। धूप चाहिए, कभी छाँव चाहिए, धूप भी मिलती है, छाँव भी मिलती है, पानी चाहिए, रोज चाहिए, नमी चाहिए, वो सब मिलती है, मट्टी की सहायतें मिलती हैं, ये सब मिलजुल कर दाने को एक कोपल बनाती है। तो इस दाने के कोपल बनने में पूरी कायनात शरीक होती है। कैसे शरीक होती है आप सोचें, अगर उसको मौसम चाहिए दाने को तो मौसम कैसे बनते हैं? मौसम बनते हैं धूप के आने और जाने, मौसम बनते हैं सूरज की गर्दिश से। तो इसका मतलब ये हुआ कि सूरज भी शरीक है उस दाने को कोपल बनाने में, इसका मतलब ये हुआ सूरज भी शरीक है उस दाने को कोपल बनाने में। जाविये जो जमीन के बनते हैं, उन जावियों से जो धूप जमीन को मिलती है उसी से मौसम बनते हैं। जमीन जो घूमती है, गर्दिश करती है, और सूरज की धूप सुबह पड़ती है, यही जाविये मौसम बनाते हैं। कभी दूर से धूप पड़ती है तो सर्दी होती है, कभी करीब से धूप पड़ती है तो गर्मी होती है, कभी सूरज की शुआएँ सीधी आती हैं, कभी आड़ी आकर के आती होती हैं, इसी से मौसम बनता है, इसी दिन रात बनते हैं। तो मौसम बनते हैं उन मौसमों से, उन मौसमों की ज़रूरत है उस दाने को शगुफा और कोपल बनने के लिए, जिसका मतलब यह है कि सूरज शरीक है। लेकिन सूरज की गर्दिश जिससे मौसम बनते हैं, ये खुद निज़ाम शमसी का जूस है, ये सूरज खुद एक निज़ाम शमसी का जूस है। और जिस हिसाब जो हिसाब उसके लिए तय है सूरज के लिए, अगर वो हिसाब पलट जाए, ज़रा सा भी हट जाए, सलट जाए, तो निज़ाम शमसी आपस में टकरा जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो निज़ाम शमसी भी इस दाने को कोमल बनाने में शरीक है।
क्योंकि अगर वो जरा सा हिल जाए अपनी जगह से तो सूरज ये धूप नहीं दे सकता, ये एंगिस नहीं दे सकता, और जब नहीं दे सकता तो ये मौसम नहीं आ सकते, और जब ये मौसम नहीं आ सकते तो ये दाना कोपल नहीं बन सकते। तो दाने गुडली कब फटती है, कब कोपल बनती है, जब पूरी कायनात इसमें शरीक, निजाम शमसी भी उसमें शरीक, और निजाम शमसी क्या पूरी कायनात, क्योंकि निजाम शमसी जो है हमारा ये भी कायनात में सेट है, पूरी कायनात के निजाम में सेट है, और कायनात का पूरा निजाम जरा सा बिगड़ जाए तो निजाम शमसी भी बिगड़ जाएगा, निजाम शमसी बिगड़ जाएगा तो सूरज का सिस्टम भी बिगड़ जाएगा, सूरज का बिगड़ जाएगा तो मौसम का सिस्टम भी बिगड़ जाएगा, और जब मौसम का सिस्टम बिगड़ जाएगा तो दाने का कोपल नहीं बनता। एक दाने को कोपल बनने में पूरी कायनात शरीक होती है, सूरज दावन करता है, मौसम दावन करते हैं, असल पानी चाहिए, पानी कहाँ से आता है, समुद्रों से भाप उठती है, आंध के बरसती है कोपल के ऊपर, समुद्र भी शरीक है उसको कोपल बनाने में, हवाएं हवाएं चाहिए, हवाएं उठती हैं, हवाएं भी शरीक हैं उसको कोपल बनाने में, पूरी कायनात शरीक है। जब मिलजुल कर ये दाना फट रहा है, अगर सूरज का खुदा कोई और होता और समुद्रों का खुदा कोई और होता और निजाम शमसी का खुदा कोई और होता तो ये दाना कभी कोपल नहीं बन सकता, ये सब मिलजुल करके एक मशीन की तरह काम कर रहे हैं। तो दाना जो फटा, ये फटना ही इस बात की सबूत है कि निजाम एक है, ये पूरा एक ही निजाम है, दो निजाम नहीं है, एक ही मशीन है, एक ही निजाम के तहत कानून के तहत चल रही है, इसका इंजीनियर एक ही है, उसने इस दाने को बनाया है, उसने पूरी कायनात को बनाया है। दाने और गुठली को फाड़ने वाला अल्लाह है, युखरिजुल हय्या मिनल मय्यित व मुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, वो मुर्दा को जिंदा से और जिंदा को मुर्दा से निकालता है, मुर्दा मट्टी से हरा भरा दर्द निकलता है, कहां से इसमें जिंदगी आ जाती है, और फिर हरा भरा दर्द डूब कर जिंदा का शिकार होकर एक बार फिर मट्टी बन जाता है। ये उरूज ज़वाल का तसलसल कायनात में जारी है, मुकम्मल, एक चीज पैदा होती है फिर मर जाती है, और फिर मुर्दा में से फिर दोबारा जिंदगी पैदा हो जाती है, ये तसलसल हर चीज में मौजूद है कायनात में, सदियों से हजारों बरस दुनिया चली आ रही है, जिंदगी और मौत के तसलसल कायम है, दरख्त पैदा हो रहे हैं और सूख जाते हैं, मुर्दा पैदा होता है और मुर्दा जाता है, सूख जाता है, फिर मट्टी बन जाता है, मट्टी से जिंदगी पैदा होती है, जिंदगी से फिर मट्टी पैदा होती है, ये उरूज ज़वाल का एक सिस्टम कायम है, जिंदगी और मौत का एक पूरा निजाम कायम है पूरी कायनात के अंदर। अगर इस कायनात में कोई खुदा नहीं है तो ये तगैयुर क्यों कहाँ से आते हैं, फिर तो तमाम चीज़ें अगर जिंदा थी तो जिंदा ही रहनी चाहिए, मुर्दा थी तो मुर्दा ही रहनी चाहिए, ये जिंदगी में से मौत कहाँ से निकल आती है और मौत में जिंदगी कहाँ से निकल आती है, बेजान माता था ये पूरा तो ये रूह कहाँ से आई, जान क्या चीज़ है, और ये जान अगर है तो चली कहाँ जाती है, और फिर ये मुर्दा में जान कहाँ से पड़ जाती है, ये कहाँ से जान, जिंदगी और मौत का तसल्सुल क्यों कायम है, अगर कोई खुदा नहीं था, अंधी मशीन है तो अंधी मशीन तो एक ही चीज चलती रहती, बस जिंदगी है तो जिंदगी ही रहती, मौत है तो मौत ही रहती, मौत जिंदगी कहाँ से आ गई और जिंदगी से मौत कहाँ से आ गई, और अगर एक खुदा के अलावा कई खुदा होते, दो खुदा होते मसलन, तो ये सिस्टम जो चल रहा है जिंदगी और मौत का किसी एक चीज के बारे में तो बदल जाता। अगर दो खुदा होते मतलब एक समुंदर का खुदा अलग से होता, मतलब दरख्तों का खुदा अलग से होता तो उसके बारे में तो बदल जाता, ये उसूल लेकिन ये उसूल दुनिया के अच्छे के बारे में, जिंदगी के बाद मौत के बाद मौत के बाद जिंदगी, ये बता रहा है कि अल्लाह है और फिर एक, अल्लाह है और एक है, पूरा एक सिस्टम चला रहा है, ना होता अगर खुदा तो ये मशीन अंधी एक ही अंदाज में जैसे चलती रहती है, मशीन एक ही स्टाइल में चलती रहती, बस जिंदगी जिंदगी चलती रहती, कभी मौत ही ना आती या मौत ही मौत चलती रहती, कभी जिंदगी ना आती, जिंदगी के बाद मौत आती है तो मालूम है खुदा है, और किसी और हर चीज़ में यही एक कानून है, ये कानून बदला नहीं किसी भी एक चीज़ में, जिसका मतलब खुदा भी एक ही है, वही किस तरह साबित होती है जिंदगी से मौत, मौत में जिंदगी, तो ये एक बहुत बड़ा उसूल अल्लाह ताला बता रहा है, कानून उरूज ज़वाल और कानून हयात व ममात, ये खाली अंडे और मुर्गी का सवाल नहीं है, हर तस्वीर में देखो तो अंडे में मुर्गी को निकालता है, मुर्गी में अंडे को निकालता है, यानी जिंदा को मुर्दा में से पैदा करता है, मुर्दा को जिंदा में से पैदा करता है, यानी मुर्गी में से अंडे को पैदा करता है, अंडे में से मुर्गी को पैदा करता है, बात खत्म हो गई, इसमें की बात नहीं कर रहा, अंडे मुर्गी की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, पूरा कारण ये कायनात जिस उसूल पर चल रही है मुकम्मल, हयात के बाद मौत, मौत की बात हयात है, इसके अंदर ये अल्लाह के वजूद का फिर उसकी तौहीद का खुला हुआ सबूत है, जो खुदी मैयत का मुखिल मैयतुमल्लाह, ये है तुम्हारा अल्लाह, ये काबिल मतलब जिसके हाथ में पूरी कायनात है, ये है तुम्हारा अल्लाह,
अन्ना तो सकून, तुम किधर भेजते जा रहे हो, किधर उल्टे चले जा रहे हो। मुश्किल ने मक्का, दुनिया की सारी कौमें अल्लाह को तो मानती हैं, खुदा को तो मानती हैं, कोई खुदा का इनकार नहीं करता है, वो भी मानते थे जिनके साथ कुरान करीम नाज़िल हो रहा है। सही बात मानी, सही राह पर थोड़ी दूर आए, अल्लाह को माना, लेकिन ठीक वहीं से फिर पलट मार दिया, क्यों उसके साथ दूसरों को शरीक कर लिया, उसकी ताकतों में हिस्से बांट लिए। तो इसको फरमाया कहाँ उल्टे फिरे जा रहे हो, अच्छे खासे आ रहे थे, अच्छे खासे तौहीद की राह पे आ रहे थे, अच्छे खासे खुदा को सबसे बड़ा सबसे बड़ी ताकत मानते हुए आ रहे थे, तुम खुद खुदा को सबसे बड़ी ताकत तुमने माना था। हर मुझे कौन दुनिया की मानती है, जब खुदा ही सबसे बड़ी ताकत है तो पीछे उल्टे फिर जाते, कहाँ उल्टे फिरे जा रहे हो, अच्छे खासे सीधी राह पर चलते चलते कदम पलट जाते हो। फान ना तो सकून खालिकुल इस्बाह, वही है इस्बाह को खाने वाला। अभी आपको दाना दिखाया जमीन के नीचे, अब जरा आप सोचो, अभी आप जमीन के नीचे दाने देख रहे थे, दाना रोटी को देख रहे थे, अब जरा आप ऊपर आग उठाइए कि ये पर्दा शब्द में से सुबह को फाड़ के कौन निकालता है। आसमान बन गया है दौड़ाई, जहां सितारे देखिए, सूरज देखिए, ऊपर देखिए, पहले खुदा ताला ने मामूली चीजें दिखाई आपको जमीन के नीचे, और फिर बड़ी बड़ी चीजें दिखा रहा है आसमान के ऊपर, ऊपर देखो। खालिकुल इस्बाह, वही जिसने दाने को फाड़ा, सुबह को आसमान के ऊपर पर्दे सबको चाक करके सुबह को वही फाड़ता है। खालिकुल इस्बाह, वही तसलसुल शब रोज, जो नक्श गरे हाथ है, तमाम वाकयात इसी तसलसुल से निकलते हैं, दिन और रात के तसलसुल से, कभी नहीं टूटता, कभी उसका ये जाब्ता मुनक़ता नहीं होता। वो खुदा ही तो है जाले लैल सकनन, फिर वो रात खा जाती है आसमान के ऊपर तुम्हारे सुकून का पैगाम लेकर। वही आसमान जिसे तुमने सुबह को देखा था तुलू होते हुए, उसी पर रात की चादर फैल के देखे, ऊपर देखे, सुकून के लिए बनाया तुम्हारे लिए रात को, ताकि तुम रात को आराम से सो जाओ, दिन भर कैसे के आ रहे। इसका इशारा भी है कि दिन में इतना काम करो कि थक जाओ, जाला लैल सकनन, रात को बनाया तुम्हारे लिए ताकि थके हारे आराम करो, इसका मतलब दिन में काम करो ताकि थक हार जाओ। तो रात को बनाया तुम्हारे लिए सुकून, व शम्स वल कमर हुस्बाना, फिर बना दिया चांद और सितारों को एक हिसाब से, एक हिसाब उनका मुकर्रर कर दिया चांद और सितारों को। ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम, ये एक जानने वाले ताकतवर का प्लान है, ये एक जानने वाले ताकतवर का प्लान है। तक़दीर ये उसकी प्लानिंग है अल्लाह ताला की। तो इससे क्या साबित हुआ, चांद और सितारे माबूद नहीं है, वो तो खुदा के बनाए हुए निजाम के गुर्दे हैं। पहली बात तो ये साबित हुई कि खुदा का बनाया हुआ प्लान है। दूसरी बात ये कि खुदा कायनात का जुज नहीं है, कायनात उसका प्लान है, वो तो प्लानर है, प्लान बनाने वाला है, वो उसका जुज नहीं है। दूसरी बात ये मालूम हुई, जैसे बहुत से मुशरिक जुज बना लेते हैं खुदा ताला को, कायनात का, तो वो जुज नहीं है। और चांद और सूरज जो है उसके निजाम के अंदर मामूली से पुर्जे हैं, वो काबिल इबादत नहीं है, खुदा का बनाए हुए निजाम का एक जुज है। वह शम्स और कमर हुस्बाना, ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम, और खुदा ताला एक नज़्म व ज़ब्त के साथ प्लान के साथ काम कर रहा है। तो ये भी इशारा है कि जब खुदा की पूरी कायनात प्लान के तहत काम कर रही है नज़्म व इंतिबात के साथ, तो इंसानी दुनिया में ऐसा नहीं है जिसके लिए कोई प्लान नहीं है। जहाँ पूरी कायनात नज़्म व इंतज़ाम के साथ और प्लान में बनी हुई है, वहाँ आप भी किसी कायदे व कानून में बने हुए, और आपको भी कायदे कानून की पासदारी करनी चाहिए ताकि आप पूरी कायनात के साथ समाहन हो सकें। ये चौथी बात मालूम है, बहुवल्लज़ी जअला लकुमुन नुजूम लितहतदू बिहा फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, और उसी ने बनाया सितारों को जिससे तुम बर और बहर की अंधेरियों में, सहरा और समुंदर की तारीखियों में रास्ते मालूम करते थे। ये सितारे तुम्हारी तकदीर नहीं बनाते थे, तुम्हारी तकदीरों पर हाकिम नहीं है, जैसे सितारों की परस्तिश करते थे वो लोग, या भारत में भी लोग करते हैं। सितारे किसी की तकदीर नहीं बनाते, ये तो तुम्हारे खादिम हैं, तुम्हें राह बताते हैं, हाकिम थोड़ी है तुम्हारे, तुम्हारे हाकिम नहीं है, तुम्हारे नौकर हैं। तुमने इनको माबूद बना लिया, हाकिम बना लिया, विकास कदू भी है, बेचारे तुम्हें रास्ता दिखाते हैं, तुम्हारे आसमान को जीनत बख्शते हैं, तुम्हारी दुनिया को जीनत बख्शते हैं, ये क्या तुम्हारी तकदीर की खबर देंगे, तुम्हारी खिदमत में इंतजार लगे हुए हैं। सितारा क्या तेरी तकदीर की खबर देगा, वो खुद फरासी अफलाक में है, खारो दबू इकबाल ने कहा है, सितारा क्या तेरी तकदीर की खबर देगा, वो खुद फराकी अफलाक में है, खारो दबू। तो ये अल्लाह के बनाए हुए वो गुलाम खादिम जो उसने तुम्हारी खिदमत में लगा दिए,
قد فصل الآيات لقوم يعلمون. देखो हम चाहते खोल खोल कर बयान करते हैं निशानियां उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं. निशानियां ही तो मान रहे हैं, यही तो मुदालबा है. उसी पर निशानियां लाइए, तौहीद पर निशानियां लाइए, रिसालत पर निशानियां लाइए. अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये है निशानियां. निशानियां नहीं लगा दी तुम्हें, लेकिन निशानी को देव निशानियां मान रहे. खुदा की तौहीद की निशानियां खुल्लम खुल्ला है, और आखिरत की निशानियां तो अल्लाह जो जिंदा को मौत से और युखरिजुल हय्या मिनल मय्यित व मुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, जो जिंदा को मुर्दा से निकालता है, मुर्दा को जिंदा से निकालता है जो अल्लाह, तो इसमें इशारा कर कयामत की भी दलील मौजूद है. रोज उस शख्स दुनिया में तुम देख रहे हो जिंदगी से मौत और मौत जिंदगी पैदा होती है, तो क्यों नहीं इस दुनिया की मौत आ सकती अगर ये जिंदा है और यही आखिरत है, यही कयामत है, और क्यों नहीं इस मुर्दा ये मुर्दा मुर्दा होने के बाद दोबारा क्यों जिंदा नहीं हो सकते हैं, जबकि खुदा रोजाना मुर्दा जिंदा को पैदा कर रहा है. जब इस कायनात में रोज अच्छा भी ये खेल जारी है हयात से मौत और मौत से हयात का, तो क्या इस्तेहाल है अगर ये आज हयात है और कल को मौत हो जाए और हम मौत होने के बाद फिर हयात हो जाए, इसमें कौन सी मतलब मानने वाली है. तो आखिरत की दलाई भी उसमें मौजूद है, तौहीद की दलाई के साथ साथ. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ. پھر دیکھو کہ وہی خدا ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے سب سے واحد. پہلے دکھایا آپ کو دانے اور گٹھلی زمین میں دیکھیے, پھر دکھایا آپ کو صبح چاند ستارے سورج آسمان میں دیکھیے, اب آپ جو بیچ میں کھڑے ہیں آسمان اور زمین کے, اب آپ اپنے آپ ہی دیکھیے. نیچے بھی دیکھ لیا آپ نے اور اوپر بھی دیکھ لیا آپ نے. نیچے دانے اور گٹھلی کو خدا نے پھاڑا اور اوپر پردیش گجرات کر کے صبح کو بھی خدا نے پھاڑا اور سورج چاند اس میں اور ستارے اس میں نکالے. اب آپ اپنے وجود کو دیکھ لیجیے, بیچ میں آپ نے دیکھ رہے ہیں, وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. تمہارا وجود خود ایک نشانی ہے خدا تبارک و تعالیٰ. انشاءکم من نفس واحدۃ, ایک ہی جان سے تم کو پیدا کیا ہے. انسان کی زبانیں الگ ہیں, لہجے الگ ہیں, رنگ الگ ہیں تمام دنیا میں, لیکن آدمی کے مقتضیات جبلی تقاضے الگ ہیں, ایک سے ہیں بالکل. ہر آدمی چاہتا ہے اس کا پیٹ بھرے, ہر آدمی کی جنسی خواہشات ہیں, ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کا ایک گھر ہو, گھر آباد کرے, بچے ہوں اس کے, ہر آدمی کی خواہش ہے. خوشی میں ہر آدمی مسکراتا ہے, غم میں ہر آدمی روتا ہے. تمام دنیا کا آدمی اگر کے زبانوں اور لہجوں کے اعتبار سے الگ الگ ہے, لیکن اپنی فطری خواہشات کے اعتبار سے ایک ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کی اصل ایک ہی ہے, انسان کی اصل ایک ہے, ایک ہی جگہ سے ایک نفس واحد سے انسان پیدا ہوا ہے. یہ کوئی کہیں بھی مانے دنیا میں آپ کسی کی اسے تکلیف ہوگی, حضرت اور جلن کسی کے ساتھ بھی کریں وہ دکھ, اس کا دل دکھ جائے گا. محبت سے کسی سے بھی بات کریں دنیا میں کہیں بھی وہ خوش ہو جائے گا. تو انسان کہیں بھی دنیا میں ہو ایک ہی ہے, وہ نفس واحد سے پیدا ہوا ہے. فمستقر و مستودع, اور پھر اس کے لیے ایک مستقر ہے اور ایک مستودع ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اشارتاً دلیل آخرت دے دی. دنیا میں تم دیکھتے ہو کہ انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک مستقر ہے اور ایک مستودع ہے. ماں کے پیٹ میں سودا, سودا کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں چیز امانت کے طور پر رکھی جاتی ہے, وہ لاکر ہوتا ہے بینک کا, گوڈاؤن سے کوئی جب جب سودے کی آتی رہتی ہے, وہ ہے مستودع. سودا گودام کو سودا اس لیے کہتے ہیں عربی, جہاں کوئی چیز عارضی طور سے آپ رکھیں وہ ہے مستودع, اور جہاں مستقل رکھیں وہ ہے مستقر. تو انسان کو دنیا میں مستودع بھی ہے مستقر بھی ہے. یعنی ماں کے پیٹ میں جب آدمی ہوتا ہے تو وہاں امانت ہوتا ہے, کس دن کے لیے رہتا ہے, مستقر نہیں ہوتا وہ, اس کا وہ اس ٹائم بھی رہتا ہے, پھر باہر آ جاتا ہے دنیا میں رہتا ہے, دنیا میں آ جاتا ہے, یہ اس کا مستقر ہوتا ہے. ہر انسان کا ایک مستودع ہے اور ایک مستقر ہے. اور جب ہے تو پھر جب آپ نے قبر میں اس کو حوالے کر دیا قبر میں, تو قبر بھی اس کے لیے مستودع ہی ہے, پھر اس کا مستقر ہے آخرت میں. ایک آج ہی طور سے آپ نے اسے گودام رکھ دیا ہے, یہ مطلب نہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا ہے, وہ اس کا مستودع ہے جیسے ماں کے پیٹ اس کے لیے مستودع تھا. پھر اس کے بعد جب زندگی کا نیا سفر شروع ہوتا ہے تو پھر اس کا ایک مستودع اور ایک مستقر ہے, یعنی قبر اس کا مستودع ہے اور مستقر اس کا آخر ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح جیسے یہاں دنیا میں ہوا تھا. تو ہر انسان کا ہم نے ایک مستقر بنایا ہے اور ایک مستودع بنایا ہے, اس کو نفس واحد سے پیدا کیا ہے. کیا یہ نشانی نہیں ہے خدا کی اور آخر کی؟ دنیا میں تمام انسان ایک ہی ضابطے سے پیدا ہوتے ہیں, ایک ہی طرح سے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہتے ہیں, ایک ہی طرح فیکٹری میں ڈھلتے ہیں, باہر نکل کر آتے ہیں. خدا تعالیٰ آپ کی قدرت سے ہر آدمی کا جہاں ناک بننا چاہیے وہاں ناک بناتا ہے, جہاں کان بنانا چاہیے وہاں کان بناتا ہے, جہاں آنکھ بنانا چاہیے وہاں آنکھ بناتا ہے. سب چیز اس نے چہرے پر لگائی ہیں, ساتھ کے ساتھ ہاتھ کے ہاتھ, تاکہ کوئی چیز آپ کھائیں اگر تو گلی سری چیز نہ کھا لیں,
खाते टाइम आपकी नाक आपको बता दे कि ये शरीर की चीज है, करीबी लगाया है उसने, कान करीबी दिए हैं आपकी आंखों के ताकि हर खतरा आप देख भी लें और सुन भी लें, महसूस भी कर लें, सब चीज चेहरे के ऊपर लगाई है उसने और एक प्लान के साथ लगाई हर चीज। नाक है आपकी, उसको ऐसा महसूस बनाया है, उसमें धूल उड़ के नहीं जाती, आंखें सामने हैं, सामने ही से देख सकती थी, उनमें धूल उड़ के आ सकती थी, तो उसके लिए बल्कि अल्लाह के साथ में ताकि उसमें धूल न जा सके, अंदर बनाई है आंखें ताकि किसी हादसे के अंदर आपकी आंखें चली न जाए आसानी के साथ। तो ये सब उसने एक पूरे ज्ञान के साथ बनाया इंसान को, इंसान का वजूद तो खुद एक हकीम और खबीर खुदा की दलील, हकीम और खबीर खुदा की दलील है। कैसा खुद निजाम दिफा बनाया है, खून के अंदर सफेद जरासीम बनाए हैं जो अमराज का मुकाबला करते हैं, एक सिपाही अल्लाह तआला ने बना दिया, अपने आप इंसानी जिस्म अपनी खुद मरम्मत कर लेता है, चोट लग जाए तो खुद अपने आप उसकी तलाशी कर लेता है। आप रहते हैं जब तक आप जिंदा रहते हैं, गलते नहीं सड़ते नहीं, मरते ही आपके मुंह फट हो जाते हैं, पूरा एक प्लान झलक रहा है हर चीज में, अल्लाह ताला एक प्लान है। तो फिर तुमने आसमानों को देखा, जमीन में बीज को फटते देखा, आसमानों में सूरज और चांद को निकलते देखा, अपने वजूद से देखो, ये भी खुदा के वजूद की दलील, तुम्हारा वजूद खुद खुदा के वजूद की दलील। हम खत फसल लायत कौम ये कहून, जो समझ वाले हैं हम उसके लिए भी निशानियां देख रहे हैं। खाली इल्म जो है काफी नहीं है, अल्लाह को पाने के लिए महज इल्म काफी नहीं है, उसके लिए फिका यानी समझ भी चाहिए, समझ चाहिए, इल्म खाली काफी नहीं है, और फिका यानी समझ ये दिल में पैदा होती है। कुरान करीम ने बताया अपना तबर कुरान माला कुलूबी अखबार, आज की साइंसदान तो कहते हैं कि दिमाग में होती है, माइंड सोचता है आदमी का, कुरान करीम कह रहा नहीं, दिल, ये दिल में होती है, समझ दिल में होती है, फिका दिल में, दिल दिल बताता है आदमी को, दिल मुतवज्जे करता है, इल्म से कुछ नहीं होता है। वरना इंसान देखता है जरा कहीं खुदाई के अंदर भी हड्डियां निकल आए, पुरानी पूरी कदीम तहजीब निकाल लेते हैं, कहीं हड़प्पा के अंदर निकल आए कोई जरा सी पुरानी हड्डियां तो पूरी तहजीब निकाल लेता है इंसान, तो इतना फ्रीमंद है, इतना इल्म वाला है कि पुराने जमाने में 5000 बरस पहले लोग इस तरह जीते थे, ये तहजीब थी, ये खाते थे, वो पीते थे, पूरी जुकून की पूरा बना के रख देता है निजाम 5000 बरस पहले का, एक जरा सा तख्ता लकड़ी का टूटा हुआ टुकड़ा कोई टूटी हुई चीज मिल जाए उससे पूरा निकाल लेते हैं फलसफा, और इस पूरी कायनात में कदम कदम पर ये निकलता हुआ चांद, ये डूबता हुआ सूरज, ये सितारे, ये सुबह, ये फटती हुई गुठली, इसमें कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा आदमी, क्या बात, इल्म है इंसान के पास, फिकाल है समझ नहीं, समझ नहीं है। पत्ती पर फूल की एक एक और पेड़ के दस्त पर खुदा की कुदरत की न जाने कितने कहानियां तहरीर हैं, इंसान उनको नहीं पढ़ रहा है, और हड़प्पा में निकली हुई एक मट्टी की हंडिया में पूरी तहजीब पढ़ ले रहा है, पूरी तहजीब को दरियाफ्त कर रहा है कि हाँ जब ये है तो इसके बसाने वाले भी होंगे और शहर ऐसा होगा और लोग ऐसे होंगे, कितना कुछ निकाल लेता है आदमी, और कदम कदम पर खुदा की जो निशानियां फैली हुई हैं उन निशानियों में खुदा की अजमत के निशान तलाश नहीं करता, इसलिए कि इल्म है अगर फिका नहीं है तो खुदा फिका वालों को यानी जिनको खुदा ने समझने की सलाहियत दी है उनके लिए दलाइल बयान कर रहा है। आयत कौमी यफ़हून, अब अल्लाह ताला ने बहुलज़ीन ने समाईमान इंसान को पैदा किया, पहले आसमान जमीन, आसमान फिर इंसान, और फिर इंसान की गजाएं जो इंसान के लिए बनाई जो खुदा की मेहरबानी और रहमानियत के सबूत है। बहुलज़ीन ने समाईमान, फिर उस खुदा ने आसमान से पानी बरसाया, فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ, اور پھر اس سے ہر قسم کی نباتات اگائی, فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا, اور پھر ان سے ہرے بھرے کیے تو درخت پیدا کیے, اور پھر ان پر تہ بتہ چڑھے ہوئے دانے نکالے, ایک دانہ تم نے بویا تھا, ہزار دانے خدا نے تمہیں واپس کر دیے, تمہاری غذا کا انتظام کیا, تمہارے مویشیوں کے لیے الگ کیا, تمہارے لیے الگ کیا, وَتَعَلَّكُمْ وَلِنَعَامِكُمْ, تمہارے لیے الگ غذائیں پیدا کی, الگ قسم کی اسپیشل اعلیٰ درجے کی, اور مویشی کے لیے الگ قسم کی پیدا کی, اس کی روزی کا انتظام دیکھو, اس نے تمہیں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا, بلکہ تمہارے مناسب جو غذائیں چاہیے تھیں تم کو اس نے تمہارے لیے پیدا کی, وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ, پھر اس نے پھل پیدا کیے تمہارے لیے, ابھی بیان تھا نباتات کا سبزیوں کا, اب پھلوں کا بیان الگ الگ کر رہا ہے تمہاری غذا کے لیے, وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا, اور پھر کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جن کی گیلیں جھکی پڑتی ہیں, جھکی پڑتی ہیں, اس میں صاف ظاہر ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ
अल्लाह ताला चाहता तुम्हारे लिए तो काफी था, बस खाली है गेहूं पैदा हो जाता तुम्हारे लिए, कोई और कोई एक साल मारा पैदा हो जाता तुम्हारे लिए, बस काफी था। ये तरह तरह की सैकड़ों अकसाम की नबाता, सैकड़ों अकसाम के फल, और फिर ललचाने वाले महक है तो तुम्हें ललचा रही है, आम की खुशबू देखकर बेकरार हुए जा रहे हो, खजूर के शगुफे लटक रहे हैं तुम्हारी तवज्जो को खींचने के लिए, दानिया केले के शगुफे गुच्छे गुच्छे तुम्हारी तवज्जो और दिलचस्पी को खींचने के लिए लटक रहे हैं। कि अल्लाह तआला का एक निजाम है, निजाम रहमत है, तमाम दुनिया में फैला हुआ है, वजन्नात मिन अनाब वज़ैतून वर्रुमान मुश्तबिहा वगैरह वज़ाद, और फिर उसने अंगूर और जैतून और अनार ये सब इनका बागात के बागात बनाए हैं, फल जो आपस में मिलते भी हैं और जो नहीं भी मिलते, शक्लों से भी मिलते हैं, मुख्तलिफ भी हैं। ये एक पूरी दुनिया जो उसने आबाद की है तुम्हारे लिए नौकसान की नेमतों की, मादे का अंधा हवा लगन होता तो इतना तुम्हारी फितरत दिलचस्पी तुम्हारी रगबत का इतना ख्याल कैसे रख लेता वो, अगर एक चीज अपने आप पैदा हुई होती, एक एक चीज का तुम्हारी एक एक तुम्हारे तुम्हें खुशबू अच्छी लगती है तो वही खुशबू, जो मजे अच्छे लगते हैं तो वही मजे, तुम्हारी जिसको जैसी चीजें चाहिए वही नमकियात और वही उसमें विटामिन और वही सारी चीजें धर दी है अल्लाह ताला ने जो तुम्हारी जिंदगी को चाहिए, साफ जाहिर है जिसने तुम्हें बनाया है उसने तुम्हारी गुदाओं को बनाया, उसी ने तुम्हारी गुदाओं को बनाया। ये नहीं है कि रूह का देवता कोई और है और फलों को बनाने वाला कोई और, जो तुम्हारे जिस्म में और गुदाओं में मुताबकत है उसे साफ जाहिर है कि एक ही इंजीनियर का प्लान सारा करता है। तो ये सारी चीजें बता रही कि नहीं बता रही, देखो जरा इसके फल को, जब ये फल पक रहा है, जब ये फलदार हो रहा है और जब ये पक रहा है, वाहिद अल्लाह ताला ने बोला समरी ही, हालांकि बोला जाहिर जमा कर दीगा कि इनके फलों को देखो, सारे फल जितने भी हैं, जैतून है, अंगूर है, रुमान है, अनार है, इनके फलों को देखो तो जमा कर सीखा होना चाहिए था, उसके फल को देखो, वाहिद क्यों बोला, समरी ही उसके फल को देखो, वह नहीं उसके पकने को देखो, ये होता उनके फलों को देखो उनके पकने को देखो, भाई कभी का लगाना बोल रहा है ये समझाने के लिए, एक एक चीज को तवज्जो से देखो, एक एक चीज को तवज्जो से देखो, कंसंट्रेट करके माइंड को और हालत देख लो सब चीजों को बोले एकदम के हाँ हो रही है बन रही है, एक एक चीज पर तवज्जो डालो, एक एक चीज के ऊपर कैसे पक रही है, कैसे रंग बदल रही है, कैसे खुशबू आ रही है, कैसे मजा आ रहा है, यही तो है खुदा का सही है फितरत, जिसको पढ़ के खुदा को पाओगे यही है। इन नफीजा लिखुम लाया दिखोन, आयतें हैं निशानियां हैं इनमें उनके लिए जिनके दिलों में ईमान है, ईमान का सब रहा है हिदायत, दिल में गुदाज होता है तब खुदा की शनाख्त होती है, और दिल पत्थर हो जाए तो हजार निशानियां हो आंखें नहीं हो कुछ नजर नहीं आती, आयात है मगर उनके लिए जिनके दिलों में ईमान है, नकी आयत आया थी लोगों के दिनों वो जालू इलाही का जिन, और इन कमबख्तों ने इसके मुकाबले में जिनों को खुदा का शरीक बना दिया, पागलों की अकल देख, एक वो खुदा है कायनात है जो दाने मछली को फाड़ता है, और एक वो खुदा है जो सूरज को निकालता है, चांद को निकालता है, और जो सफेद सभा फैलाता है आसमान के ऊपर, और जो पर्दा सब को त्याग करके सुबह को शुरू करता है, वो खुदा जो हमारे लिए रोकथाम की रजाएं पैदा करता है, खुशबुएं हमको देता है, वो खुदा वो ताकत वाला इसकी पूरी कायनात पर हुक्मरानी है, जो एक जर्रे को भी देख रहा है और पूरी कायनात को भी, गुठली को भी और बीज को भी देख रहा है और सूरज को भी देख रहा है, एक तो वो खुदा है और एक वो पीपल के अंदर जो गुठली रहती है वो, तो ये उसको बराबर समझ रहे हैं, पीपल की जड़ में रहने वाली गुठली, पीपल तले की गुठली, और अल्लाह ताला एक ही हकीकत है कि नजदीक जिन उसको शरीक बना रहे हैं अल्लाह ताला का, इसके लिए भी चढ़ावा उसके लिए भी चढ़ावा, इसके आगे भी डंडौर उसके आगे भी डंडौर, ये एक से मकाम देते हैं, ये देवता क्या है देवी देवता सब जिन है, जिन जिनों से कुछ जिन्होंने पुराने जमाने के जोहला उनके उससे कुछ डरे मुतासर हुए और खुदा बना डाला, उनके आगे चिराग देने लगे, हर कुछ डरने लगे कि नाराज ना हो जाए, क्रोध ना हो जाए, माता जी बन गई कोई, देवी जी बन गई कोई, तो क्या खुदा को पहचाना है लोगों, एक खुदा की कायनात पूरी कायनात जो खुदा की अजमत की दास्तान सुना रही थी, उस खुदा में ये चुड़ैल और बूटों को जो है खुदा के मकाम पर लेकर ला के बिठा दिया गया, वो जाऊल्लाह तआला जिन व खरकू लहू बनीन व बनातिन व खलकहू, जबकि खुदा तो पूरी कायनात का खालिक है, कहाँ खालिक और कहाँ उसकी अजना मखलूक जिसको खुद बनाता है, तुम उसको एक मकाम देने लगते हो, व खलकू लहू बनीन व बनातिन बगैर ईन, और उसके लिए फिर बनीन और बनात बनाते हैं, लड़के और लड़कियां तराशते हैं उस अल्लाह के लिए जो खालिक है, जो खालिक है उसे अपने किसी मददगार की जरूरत ही कम है,
उसने हर चीज को बनाया है, तो फिर उसके बेटे बेटी मानने की क्या जरूरत है? जैसे ईसाई बेटा मान लेते हैं और ये मस्जिद की बेटियां मानते हैं, खुदाई का देवियां हैं, देवी सच्ची माँ है, सरसों की माँ है, ये सब क्या है देवियां? क्यों है खुदा की बेटियां? क्या जरूरत है खुदा को मददगारों की? जब वह हर चीज के खालिक है ही, वह हर चीज को तकलीफ करता है, उसे किसी मददगार की जरूरत नहीं है। तो ये सब बनी हुए बनात बनाते हैं बगैर इल्म। सुभानहु व तआला अम्मा यसिफून, पाक है अल्लाह, बुलंद है अल्लाह, ऐसी छोटी छोटी बातों जैसी बातें ये करते हैं, वो तो बहुत बरतर वजूद है, बड़ा आली वजूद है, बड़ा आली शान। उसकी तो रहमत और राफत और मोहब्बत और अजमत पूरी कायनात के अंदर समुद्रों की तरह मौज मार रही है। ये कहाँ ये छोटी छोटी चीज़ों को खुदा के साथ शरीक करने लगे हैं, जो खुदा के गुलाम और खुदा की कायनात में अदना तरीन हैसियत रखते हैं, इतनी अकील इनके अंदर नहीं है। ये अल्लाह ताला इसमें शासन मारा है, और साथ ही इसमें एक पूरे रुकू में एक और इशारा बैरों से दूर में छुपा हुआ, जो जगह जगह जो उनके तमाम सवालों का जवाब है, वो ये कि अल्लाह ताला जब दाने और गुठली को फाड़ता है, उसमें से कोमल निकालता है, तो क्या वो अल्लाह हर इंसान की फितरत में जो खुदा की पहचान का एक भीज छुपा हुआ है उसको फाड़ सकते, उसमें ईमान की तरफ नहीं होगा? नवा फारिक हबी बनवा, और वो अल्लाह जो जिंदा को मुर्दा में से पैदा करता है और मुर्दा को जिंदा में से, क्या वो आज की जिंदा कौमों को एक मुर्दा कौम में और एक मुर्दा कौम को जिंदा कौम में तब्दील नहीं कर सकता? आए दिन वो मौत से हयात, हयात से मौत को पैदा करता है। क्या वो इस्लाम को एक जिंदगी का कारवां और तुम्हें जो तुम बात बढ़ के बोल रहे हो तुम्हें तारीख के मुर्दा खाने में नहीं डाल सकता? वो अल्लाह ताला जिनको जिंदगी में से मौत और मौत जिंदगी को पैदा करता है, और फिर वो अल्लाह जो सुबह को फैलाता है पर्दे सबको चार करके, क्या वो तमाम गुनाह और शिर्क की अंधेरियों को दूर करके ईमान का उजाला नहीं फैला सकता? बिल्कुल फैला सकता है। और फिर वो खुदा जो अपने अलामात मुकर्रर करता है समंदरों में ताकि राह दिखाए, क्या वो इंसानों को सच्ची राह बताने के लिए कोई अलामात मुकर्रर नहीं करता? यकीन करता है, और यही उसकी किताबें हैं, उसके रसूल हैं। और फिर वो अल्लाह जिसने हर इंसान के लिए दुनिया में एक मुस्तकर सौदा बनाया है, क्या उसने आखिरत में उसके लिए कोई मुस्तकर सौदा नहीं बनाया है? और फिर वो अल्लाह जो आसमान से बारिशें बरसाता है ताकि इंसान का जिस्म को खुदा मिले, क्या वो अल्लाह आसमान से बरकतें और किताबें और नाजिल नहीं फरमाता अपनी हिदायतें ताकि इंसान को रूहानी खुदा मिले? बोले जो अल्लाह ने तुम्हारी मान, वो तो बारिशें बरसाता है ताकि तुम्हारे लिए अनाज उगल्ला हो गए, तो क्या वो नहीं उतारता आसमान से हिदायत अपनी ताकि इंसान को फलाह और सलाह मिले? यकीन ऐसा भी होता है, जब ये सारा इंतजाम अल्लाह ताला फरमाता है और होता है, तो फिर ये सारी चीज़ों का इंतजाम अल्लाह ताला करता है। खुदा ताला मौत जिंदगी पैदा करता है, तो खुदा ताला मुसलमानों को इज्जत का मकाम, जिंदगी का मकाम दे सकता है। खुदा ताला फिर आखिरत को भी ला सकता है जब वो मौत जिंदगी पैदा करता है, मुर्दों को जिंदा कर सकता है। ये दलील है आखिरत की, और रिसाला की दलील ये है कि खुदा आसमान से बारिश बरसाता है, तमाम खुदाएं तुम्हारी उगाता है, तो क्या वो खुदा तुम्हारे लिए हिदायत में कोई इंतजाम नहीं करता? कि तुम्हें हिदायत बताए कि क्या सच है और क्या झूठ है? जो बारिश तुम्हारे लिए उतारता है कि कहीं तुम मर ना जाओ भूखे, वो तुम्हारे लिए किताबें और हिदायत नहीं उतारता कि कहीं तुम गुमराही में ठहरते हुए ठोकरे खाते हुए ना मर जाओ? वो इसका इंतजाम नहीं करता, जिसम का तो इंतजाम करता है, रूह का इंतजाम नहीं करता। ये रिसालत की दलील है। और फिर ये कि तुम जो हमारे तान दराज करते हो कि मुसलमानों की ताकत क्या है, मुसलमान क्या है, हम कभी ईमान लाने वाले नहीं हैं, हमारे कुलूम गुल्फ हैं, तो जो अल्लाह ताने को फाड़ कर शर्मों से निकाल लेता है, वो तुम्हारे मुर्दा दिलों को फाड़ कर भी उसके अंदर जो अल्लाह की मार्फत का बीज है उसकी तनावर दरख्त बना सकता है। तो फारे को नवा है, ये सारे इशारे मैंने दूर नहीं जिला तारा ने जवाब दिए हैं, और आखिर में ये दलील की दलील है और तबसरे का तबसरा कि अल्लाह को तो बुलंद होना चाहिए। अगर अल्लाह वही है जो कायनात का खालिक है, तो उसको कभी भी इन छोटी छोटी चीज़ों को बराबर नहीं होना चाहिए, उसका मकाम ये नहीं होना चाहिए। सुभानहु व तआला अम्मा यसिफून। अगर तुम्हें एक बार और सुन लीजिए आपकी तरफ की रोशनी में, दाने और गुठली को फाड़ने वाला अल्लाह है, और वही है जो जिंदा को मुर्दा में से और मुर्दा को जिंदा में से निकालता है। अरे लोगो, ये है तुम्हारा अल्लाह, फिर तुम किधर चले जा रहे हो? वो है जो सुबह को पर्दे शक में से चार करके फाड़ निकालता है, और वही है जो रात को सुकून रात को लाता है ताकि तुम्हें सुकून मिले, और वही है जिसने सूरज और चांद को हिसाब के लिए मुकर्रर कर दिया है। ये एक जानने वाले जबरदस्त का अंदाजा है, उसका प्लान है, और वही है जिसने तुम्हारे लिए सितारे बनाए हैं ताकि तुम्हें समंदर और सहरा की तारीखियों में राह दिखाएं। जो जानने वाले हैं उनके लिए निशानियां पेश कर रहे हैं, और वही है जिसने तुम्हें भी बनाया है एक नफ्से वाहिद से, फिर हर एक के लिए एक जाय करार बनाई है और एक जाय अमानत बनाई है सोते जाने की जगह। हम निशानियां अपने बयान खोल खोल के बयान करते हैं उन लोगों के लिए जो समझ रखते हैं,
फिर वही है जिसने आसमान से बारिशें बरसाई हैं और फिर हमने उसके जरिए हर सब्जा उगाया है, फिर उसी से हमने उगाए हैं हरे भरे खेत और दरख्त जिससे हम तह बर तह चढ़े हुए दाने निकालते हैं, फिर हम ही हैं जिसने खजूर के शगुफों से फलों के गुच्छे पैदा किए हैं जो बोझ के मारे झुके पड़ते हैं, और हमने बागात बनाए हैं अंगूर जैतून और अनार के, ये फल जो आपस में एक दूसरे से मिलते भी हैं और सिफतों में एक दूसरे से जुदा भी हैं। देखो जरा उसका पकना जब वो फलता है और देखो जरा उसके पकने की कैफियत। यकीनन जो यकीन ईमान रखने वाले हैं उस इन सारे वाकई में उसके लिए निशानियाँ हैं, लेकिन इन लोगों ने तो अल्लाह के साथ जिनों को शरीक किया है जबकि खुदा तो खालिक है उनका, और इन्होंने तराशे हैं अल्लाह के लिए लड़के और लड़कियाँ जिसकी कोई दलील उनके पास नहीं है, पाक है अल्लाह इन बातों से और बुलंद है इन सारी चीज़ों से जो उसके बारे में बयान करते हैं। कुछ सवाल ये जो है खून फेंकने की मशीन है साइंसदानों ने कह दिया, हमने खून फेंकते हुए देखा है क्योंकि उसको दिमाग को हमने सोचते हुए देखा है, क्या साइंसदान कहते हैं दिमाग सोचता किसी का दिले का दिमाग सोचता है, देखा कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि दिमाग सोच रहा है, इसमें दिमाग में तो लोथड़ा ही और क्या है, जैसे दिल भी एक लोथड़ा है, उनके पास क्या दलील है कि दिमाग सोचता है कि नहीं सोचता है, दिल को निकाल लीजिए आदमी के अंदर से देखें दिमाग कैसे सोचते हैं। इल्म जो है वो दिमाग में आता है, फिकह जो है वो दिल में आता है। किसने किसने मुकर्रर की नहीं लाने अमल दिए, आँख को देखने का अमल दिया है, कान को सुनने का अमल दिया है, नाक को सूंघने का अमल दिया है, दिमाग को इल्म यानी जानने की सलाहियत दी है, दिल को सोचने की सलाहियत दी है। हुजूर अकरम की हदीस साफ है, इंसान के दिल में गोश्त का जिस्म में गोश्त का एक लोथा है, आपने फरमाया मुर्गतुन, इंसान के सीने में गोश्त का एक लोथा है जिसे कल्ब कहा जाता है, हिदायत महबत अनवार वही उसी पर आती है। नजला ही क्या कुरान क्या कहा इसको अल्लाह ताला ने रसूल आपके दिल पर नाजिल किया है, हैं ये तो कहा कुलमकान अदोबल जबीला कई नहू नजलहू अला कल्ब, कुरान को अल्लाह ने आपके दिल के ऊपर नाजिल किया है, ये जो हमारा मुहावरा है ये भी इसी वजह से है, दिल में मेरा ख्याल आया, दिल में मैंने सोचा, ये भी इसलिए कि वाकई दिल में ख्याल आता है, दिल ही सोचता है, सोचता दिल ही है, दिमाग नहीं सोचता, दिमाग में इल्म आता है, दिमाग मालूमात को जमा करता है कलेक्ट करता है, लेकिन हिदायत बसीरत सबक लेना किसी चीज़ से जिसका मदार है दल की शासमाया कि सलवा सलवा जो बिल्कुल जब ये दिल जो है सुधर जाता है तो सारा जिसम सुधर जाता है, और जब ये बिगड़ जाता है तो सारा जिसम बिगड़ जाता है। तो हमारे हजूर अकरम का इशारा ये है और कुरान करीम जगह जगह ही ये फरमा रहा है अफलाए तबरूना कुरान अमला कुलूब नखालूहा, कुरान से नफियत को नहीं पकड़ते कि आपके दिल पर ताले हैं, दिमाग में नहीं दिल पर डाले हैं, दिल में आती है फिकह, दिल में आती है समझ, दिल में आती है मालूमात, दिमाग में आती है, इल्म के लिए ये है फिकह समझ के लिए ये है, ये कुरान करीम। और रह गया साइंसदा, ये कहते हैं साइंसदा बिलाजी की फेंकते हैं, साइंसदा कुछ बता सकते हैं ये चौथी से बना हुआ है क्या, ये भी तो गोश्त ही है, भेजा से कहते हैं ये भी तो गोश्त है, ये गोश्त है, ये वाइट है, ये वाइट है जरा, ये रेड है, तो ये सोचता है ये नहीं सोचता है क्या रही बात तो है नहीं। रूह तो वो करंट है जो पूरी मशीन को चालू रखता है, और ये आधा है दिमाग और दिल और आंख और कान, पूरे ये पुर्जे हैं जिसम के, और रूह वो करंट है जो सब में एक साथ ही, आंख में भी है, कान में भी है, नाक में भी है, दिल में भी है, दिमाग में भी है, तो करंट है उसकी वजह से आप पेशेंट चलता है चलता है। अच्छा सर एक ऐलान कर रहे हैं आप लोग, एक तो ये है कि मतलब ये कि सब लोग ये कुछ कहें कि सब का काम है, ये हम लोगों ने लिखे ना आप सब लोगों का काम है, मुसलमानों का काम है, बहुत अच्छा काम है, जैसे बुराने जाए है तो सब लोगों का फर्ज है कि इसके लिए मतलब जो विजय है जहाँ भी घर में सब जो हो और लोगों को डालने के लिए ताल्लुक माहौल हो, और दूसरी बात ये भी जल्दी आए
और दूसरी बात थी कि हम लोगों ने औरतों का भी प्रोग्राम शुरू किया है वहाँ मेम्बर अगर साहब थे यहाँ धन्यवाद कल कभी रखेंगे परसों परसों भी जा रहे थे साथ परसों कह रहे थे मेम्बर अच्छे अगर भाई ये साफ तय करके बाद में ऐलान कीजिएगा ऐलान करके बाद खुल जाएगा स्वागत अल्लाह मुझे अल्लाह मुझे